आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके टू पार्ट्स हैं, अभी सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बताए, क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। टू विमेन्स एंड फाइव मैन कैन टूगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। दो औरतें और 5 आदमी मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 4 दिन में पूरा करते हैं जी। वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 डेज। लेकिन अगर 3 औरतें और 6 आदमी मिलके करेंगे काम को तो 3 दिन में कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो द टाइम टेकन बाई 1 man alone। तो ये बताए कि एक आदमी अकेला इस पूरे काम को करेगा एम्ब्रॉयडरी वर्क को, तो वो अकेला कितने दिन में करेगा। अगर एक औरत अकेली करेगी तो कितने दिन में करेगी। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि अगर वो अकेले करेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। पहले भी आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन छोटी क्लास में आपने 7th 8th में कुछ टाइम मेड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो अगर देखो एक बात ध्यान से देखना, अगर एक चीज मैं वैसे डिस्कस करूं आपके साथ, अगर एक काम को कोई आदमी करता है 5 डेज में, अगर 1 वर्क है उसको कोई आदमी क्या करता है 5 डेज में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक काम को उसने 5 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया, तो वन डे में कितना काम किया उसने 1/5, मतलब जितना भी जितने डेज वो टोटल लेता है किसको एक काम को पूरा करने में जितने टोटल डेज लेता है, तो उसने 5 डेज लिए हैं बेटा। तो एक दिन में कितना करा उसने 1/5, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो पूरा काम था उसको 1/5 1/5 1/5 1/5 1 2 3 4 5 उसने जितना काम था उसके 5 पार्ट कर दिए। 1 पार्ट ये पहले दिन करेगा इतना काम, ये काम दूसरे दिन करेगा सेकेंड डे, ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, और 5 दिन मिलके उसने क्या किया टोटल वर्क उसने कर दिया। तो जब कभी भी बेटा ये निकालना हो कि उसका एक दिन का काम कितना है तो उसको डिवाइड कर देते हैं एक को किससे, जितने डेज उसने लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक काम उसने 8 डेज में करा 8 डेज में, तो एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में करेगा बेटा 1/8। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं कि अगर टोटल दिन उसने इतने लगाए हैं तो एक दिन का काम कितना हो उसका, तो उसको 1/4 में नंबर ऑफ डेज कर देते हैं तो उसका एक दिन का काम आ जाता है। इस चीज का हम यूज करेंगे, अभी देखें कैसे। और निकालना है कि एक औरत कितने दिन में करेगी, एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो लेट टाइम टेकन बाय 1 woman To finish the work, एक और मान लिया करते भाई x डेज में, let time taken by 1 woman to finish the work in x days, और let time taken by 1 man to finish the work, ये हो जाएगा भाई y डेज, ये y डेज हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया भाई एक औरत एक काम को करती है एक्स डेज में, पूरा करेगी अकेली वो, और ये वाई डेज में करेगा। अब सिंपल सी बात है, देयरफॉर वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day, एक दिन में कितना काम करेगी एक औरत। एक औरत ने जो है भाई क्या किया, कुल कितने दिन लिए उसने एक्स डेज, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर एक काम को 5 दिन में पूरा करती है तो वो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा भाई 1/5। तो यहाँ 5 के जगह हमारा क्या x, टोटल x डेज लेती वो, तो एक दिन का काम क्या होगा उसका 1/x। ऐसे ही वर्क डन बाय 1 man इन 1 day, एक आदमी कितना करेगा भाई 1/y हो जाएगा भाई, क्योंकि एक आदमी y डेज लेता है वो। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/y। ऐसा होता है बेटा जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक काम करना है, ठीक है,
और आप कहोगे कि सर ये काम मैं 4 दिन में पूरा कर दूंगा, ठीक है, आपने मुझे बोला कि सर ये काम मैं 4 दिन में पूरा कर दूंगा, तो आपने उस काम के कितने पार्ट बना लिए? 4 पार्ट। इसका मतलब आपने क्या किया, उस काम को आपने मुझे प्रॉमिस कर लिया भाई एक काम सर मैं 4 दिन में पूरा कर दूंगा, तो इसका मतलब आपने आइडिया लगा कि आपकी कैपेसिटी इतनी है, इस काम के आपने 4 पार्ट बना लिए, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, एक दिन इतना काम किया, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना। और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मुझे कहा कि सर एक काम को मैं 2 दिन में करूंगा, तो ये काम सर मेरे से 2 दिन में हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आधा काम एक दिन में किया और आधा काम क्या किया एक दिन में, तो उस आपने देखो ना, ये पहले दिन का काम है और ये क्या आपका दूसरे दिन का काम, तो जब आपका एक दिन का काम निकाल लो ना बेटा, हमें ये पता है कि दीपांशु इस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो दीपांशु का एक दिन का काम कितना है, तो 1/4 में जितने डेज वो काम को पूरे करने में लेगा, कितने दिन लेगा वो 2 दिन लेगा, तो इसका काम इसका मतलब हुआ कि एक दिन में वो क्या करेगा, हाफ करेगा, और हाफ करेगा अगले अगले दिन, तो हाफ हाफ मिला के उसका एक काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कोई भी विमेन है, वोमेन है या मैन है या लड़का कोई भी काम कर रहा है, तो वो कुल कितने दिन ले रहा है, हमने यहां लिख लिया एक्स डेज ले रहा भाई वो, तो एक दिन में कितना करेगा, तो बेटा एक दिन का काम जब भी निकालना हो तो 1/4 में जिसके नंबर ऑफ डेज है वो कर दो, तो एक दिन में उतने काम करता कोई भी जितने टोटल डेज है उससे डिवाइड कर देते हैं बेटा। ऐसे मैन के कितने हैं, वाई डेज है, तो इसको डिवाइड कर दो 1/4 में वाई, तो ऐसे आ जाएगा बेटा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए भाई, आप हमने निकाल दिया कि एक दिन में कितना काम करेगी वो 1/x, अब इसने क्या कर रखा भाई, ये कौन करेगी, एक औरत करेगी एक दिन में इतना काम, ये एक औरत का काम भाई एक दिन का। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे, पहले कौन कितनी वुमेन है, 2 औरतें हैं भाई और 5 आदमी हैं, पहले 2 वुमेन्स और 5 मैन, अगर आप ध्यान से देखिए एक औरत एक दिन में इतना काम करती है 1/x, एक औरत एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 औरतें कितना करेंगी, इसको 2 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 औरतें इतना काम करेंगी, हमें पता लगा कि एक औरत एक दिन में इतना काम करती है, इसने दे रखा कि पहले 2 औरतें काम करेंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, प्लस एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है 1/y, और हमें पता है यहां पर हमारे क्वेश्चन में दे रखे 5 मैन, इसका मतलब 5 आदमी काम कर रहे हैं, जब एक आदमी एक दिन में इतना काम करेगा तो 5 आदमी कितना करेंगे, इसको 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये काम तो 2 औरतें करेंगी मिलके एक दिन में, ये कौन करेगा भाई 5 आदमी करेंगे मिलके, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इसका मतलब एक दिन का काम आ जाएगा औरतों के द्वारा किया गया और ये आदमी के द्वारा किया गया, टोटल काम आ जाएगा एक दिन का। लेकिन आगे एक चीज और लिखी बेटा कि 2 औरतें और 5 आदमी टोटल मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वीमेन प्लस 5 मैन, वो कितने में करेंगे, 4 डेज में, अगर ये 4 डेज में करेंगी, तो अगर मुझे निकालना हो कि 2 औरतों का और 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना है, तो वो हो जाएगा बेटा 1/4, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया। हाँ बेटा, हाँ बोलो, ये देखो बेटा एक बार, ये 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, अगर देखो मैंने आपको ये बताया बेटा 1/x का मतलब क्या है, 1/x का मतलब कि एक औरत का एक दिन का काम, एक औरत ने एक दिन में करा कितना 1/x, तो 2 औरत ऐसे ये, हाँ जी हाँ जी, ऐसे 5 औरतें एक दिन में इतना करेंगी, 5 आदमी इतना करेंगे, तो टोटल डेज भी दे रखे हमारे को उसने क्वेश्चन में कि 5 औरतें और 2 आदमी मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में कितना करेंगे मिलके, वो 1/4 करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी हमारी ये। ऐसे एक सेकंड इक्वेशन है, उस पर ध्यान दो बेटा एक बार, कि उसने कहा कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलके करते 3 डेज में, अब इसने कहा बेटा एक औरत करती है इतना काम, औरतें कितनी इसमें, 3 औरतें हैं, तो 3 औरतें कितने करेंगी एक दिन में, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कहा कि एक आदमी कितना करेगा एक दिन में, 1/y,
और आदमी है कितने, सिक्स है, सिक्स मैन दे रखे बेटा इसमें, तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल डेज है कितने इसके, थ्री, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी ये। तो इसमें बेटा ये जो कंडीशन लगती है, इस चीज पे बस ध्यान देना आपने, जो ये वाली चीज है, ये एक दिन का काम है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। इक्वेशन अभी आपने बहुत दिनों से ऐसे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन किए नहीं, और इक्वेशन अचानक इसमें आ गया, बस हमने यहां पर तो क्या देखा है, लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा हमारी। और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि देखो ये 1/x, 1/x, 1/y, 1/y, तो हम क्या करेंगे, 1/x को a लेट कर लेंगे और 1/y को b लेट कर लेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल हमारा। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, यहां पर देखिए ये बनेगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। 2a इसके जगह बेटा a पुट कर दे, यहां पर b पुट कर दे 1/4, 4 की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 4 से करेंगे 4 to the 8a, 4 5 20b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी बेटा यहाँ पर। चलो फर्स्ट सेकंड इसको ना कह के आप इनको कह लो, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। और इसमें क्या, इसमें पुट करेंगे बेटा क्या होगा, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, 1/x की जगह हमने a पुट करा, 1/y की जगह b पुट किया, ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गए हमारे पास, इसको सोल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिखा है 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन लगाना भाई हमें अब इस पे, या तो a वाली टर्म को इक्वल करेंगे या b वाली टर्म को, तो मेरे ख्याल से इसमें a वाली टर्म को इक्वल करने तो ठीक रहेगा, कॉमन कुछ निकलता नहीं इसमें, कॉमन निकलने से बात नहीं बनेगी बेटा। तो a वाली टर्म को इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई। तो इसको 9 से करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 8 से करेंगे, तो 9 8 जा 9 8 बेहतर आएगा भैया, 9 8 जा 72, 9 से करेंगे बेटा 9 2 18 180 आ जाएगा भैया बी, और 9 1 जा 9, 8 से करेंगे भाई 9 8 बेहतर 72 आ गया भैया, 18 8 कितना आ गया भाई 144, ये आ गया बी, और ये बट 8 बन जाए। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग लिखें एडिंग लिखें, 72a 72a दोनों का सेम साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस, ये कैंसिल बेटा। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहां कितना बचेगा 7, ये 36, ठीक है जी, बी और इज इक्वल टू 1, और देयर फोर बी इज इक्वल टू आएगा भाई 1/36, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई, बी की वैल्यू 1/36 आ गई। अब बी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें या इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें, तो आई थिंक इक्वेशन नंबर सेकंड में ठीक रहेगा, क्योंकि बी की वैल्यू यहां रखेंगे तो 18 है, यहां पे 36 है, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो इसकी वैल्यू हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने से कैलकुलेशन वर्क थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। नाउ पुटिंग यहां कर देते हैं बेटा, यहां पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ये बेटा हमारी 9a प्लस 18b, बी की वैल्यू हमारी 1/36 आई बेटा, यहां पर पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सोल्व करेंगे 18 बन जाए 18 18 टू 36, ये बचेगा 9a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और 1/2 को उधर भेज दीजिए भाई, ये आ जाएगा 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 9a इज इक्वल टू 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा भाई, 1 माइनस हाफ तो हाफ बच जाएगा भाई, तो ये बच्चा हमारे पास 2 को आप उधर भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, 9 2 18 18 a इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 1/18,
ए की वैल्यू ये आ गई बेटा हमारे पास 1/18 आएगी ए की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या है कि एक औरत एक काम को कितने दिन में करती है, एक्स डेज, मतलब एक्स निकालना और वाई निकालना है। हमने जो लेट किया था यहां पर 1/x को क्या लेट किया था, ए, इसको लेके चलो अब, देयर फोर ए इज इक्वल टू 1/x और बी इज इक्वल टू 1/y, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ए की वैल्यू हमारे पास 1/18 है इज इक्वल टू 1/x, एक्स वन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 18, और यहां पर रखेंगे 36, 1/ में 36 भाई, और यहां पर है 1/y, तो y इज इक्वल टू 36। इट मींस अब हमने जो लेट किया ना बेटा, यहां लिख देंगे जो स्टार्टिंग में लेट किया, टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वन वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक्स डेज, एक्स डेज का मतलब ये आ जाएगा 18 डेज, और ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डेज। आप यहां पर लिखेंगे बेटा जो लाइन हमने लिखी थी ना, देयर फोर, यहां देयर फोर लगा के आखिर में ये लाइन लिख देंगे, ये लाइन लिख के पूरी, टाइम टेकन बाय वन वुमन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे आप कितना 18 डेज, और यहां पर क्या लिख देंगे आप 36 डेज। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बेटा और थोड़ा लेंथी भी लग रहा है आपको, लेकिन कैलकुलेशन वर्क बस स्टार्टिंग के जो जहां तक लीनियर इक्वेशन आप बनाते हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद का काम तो आपने बहुत बार कर रखा है, ये लीनियर इक्वेशन बनने के बाद तो एलिमिनेशन लगा बेटा, नोट करें एक बार, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन रीड करें बेटा एक बार। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही को लड़की भाई वो क्या करती है, अगर ध्यान से देखें, एक बार डायग्राम बना के समझाऊं मैं आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है ये रूही का होम है, उसको ए पॉइंट से चलना भाई, ए पॉइंट से वो जाएगी और कहां पर पहुंचना, उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे जहां पर उसका घर है उस वहां पर उसको पहुंचना है। तो ए जहां से उसको चलना है वहां से उसके घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। अब वो क्या करती है, ये डिस्टेंस जो है बेटा वो कुछ डिस्टेंस तो जाएगी ट्रेन से और फिर वहां से उतर के बाकी बची हुई डिस्टेंस जाएगी वो बस से। इसका मतलब कुछ डिस्टेंस तो वो किससे ट्रेवल करी, उसने ट्रेन से, और कुछ डिस्टेंस किससे ट्रेवल करी, उसने बस से उसने ट्रेवल करी है। अब इसकी कंडीशन दी बेटा, कितना टाइम लगेगा और कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेन से करी, कितनी बस से करी, ऐसी दो कंडीशन लगाएंगे और उससे दो लीनियर इक्वेशन बना के हम ऐसे एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर बेटा स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर मान लिया यहां से लेकर ये 60 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट सी बोल देते हैं, मान लीजिए 60 किलोमीटर है भैया, ये 60 किलोमीटर गए टी से, टी फॉर ट्रेन, यहां से ए से लेकर सी पॉइंट तक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल करी। हमने यहां पर टी लिखा है, टी फॉर ट्रेन एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब ये टोटल हमारे पास जब 300 थी बेटा, तो 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक की जो बचेगी वो बचेगी 240, 240 किलोमीटर जो रिमेनिंग बची है वो गई है बस से, बी फोर बस, बी फोर बस, बाकी की ये डिस्टेंस उसने किससे करी है, बस से ट्रेवल करी है और ये ट्रेन से करी है। तो उसको आपने इस पॉइंट से अपने घर तक पहुंचने में 4 आवर्स, 4 घंटे का टाइम लगाया, 300 किलोमीटर उसको जाना था बेटा, पहले स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर वो गई है टी फोर ट्रेन, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस सी से लेकर बी तक 240 किलोमीटर बचा वो गई बस से। तो यहां से यहां तक का ट्रेन का और बस का कुल मिला के टोटल टाइम जो है वो 4 आवर्स, पहली कंडीशन बेटा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस। अगर स्टार्टिंग के, अगर वो कह रही कि स्टार्टिंग के अगर मान लिया 100 किलोमीटर, मान लिया ये यहां बना देते हैं भाई हम एक पॉइंट, कि अगर स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर वो जाए किससे, ट्रेन से, अगर वो ट्रेन से जाए 100 किलोमीटर तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे, 200, 200 किलोमीटर बच गए, और 200 किलोमीटर जो बचे हुए हैं वो जाए बस से, ये 200 किलोमीटर जो बचे हुए हैं
वो चली गई वो बस के द्वारा, तो उसको जो टाइम लगता है उसकी कंडीशन क्या दी, बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्या मतलब कि पहले उसको 4 घंटे लगे थे, अब पहले से 4 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, प्लस में 10 मिनट ज्यादा लगी। इट मीन्स टाइम क्या हुआ, 4 आवर्स प्लस में 10 मिनट्स, मतलब 4 घंटे 10 मिनट में घर पहुंचेगी वो, अगर उसने स्टार्टिंग 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से जाएगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो आपको क्या निकालनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है वो निकालिए और बस की स्पीड कितनी है वो निकालिए, ये क्वेश्चन है भाई। तो दो कंडीशन आपके सामने डायग्राम बना के मैंने आपको समझाई है, अब इनको अप्लाई करेंगे हम उसमें और उसके एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं बेटा, कैसे बनेंगे देखिए। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, मान लिया स्पीड जो ट्रेन की वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, और लेट स्पीड ऑफ बस, बस की जो स्पीड है भाई वो है वाई किलोमीटर पर आवर है भाई, इतनी स्पीड से तो ट्रेन चल रही है, स्पीड से बस चल रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना भाई, बहुत ईजी है, आपने पढ़ रखा भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब देखो बेटा ट्रेन से कितनी डिस्टेंस गई, वो 60, ट्रेन से गई है 60 किलोमीटर, ये ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है बेटा। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ये है एक्स, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतना टाइम लगेगा उसको किस में, इतना टाइम उसको लगेगा ट्रेन में, प्लस ये डिस्टेंस गई वो बस से, बस की जो डिस्टेंस है ट्रेवल की गई वो 240 है, और बस की जो स्पीड है कितनी है वो वाई है, तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम इतना टाइम इसको लगेगा किसमें, इतना टाइम उसको बस में लगेगा, ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बस के द्वारा लिया गया टाइम, टोटल टाइम दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम कितना बेटा 4 आवर्स। इसका मतलब इसको किसके इक्वल रख देंगे, 4 के इक्वल हम रख देंगे। ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऐसे बनाई बेटा, ये इक्वेशन हमने कोर्स करो बेटा डिस्टेंस वाली से बनाई, फॉर्मूला क्या लगा हमने भी को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये अप्लाई करा बेटा। सेकंड में वही बेटा, डिस्टेंस कितना है 100, 100 डिस्टेंस है ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन की स्पीड क्या है बेटा एक्स, ये कितने है बेटा 200, और ये कितना वाई इज इक्वल टू, अब जो टाइम लगा बेटा 4 घंटे और 10 मिनट, तो ये 4 आवर्स तो एज इट इज प्लस 10 मिनट, और ये जब पूरा टाइम आ रहा है यहां भी आवर्स में है, यहां भी आवर्स में है, तो जो मिनट है उसके भी हम क्या बना लेंगे आर्थ बना लेंगे, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे अपॉन में करना पड़ेगा बेटा 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपको पता है, इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगी, 4 6 24 और 1 25, इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे बेटा, तो ये आज यहां पर लिख देते हैं 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू, ये करेंगे बेटा 4 6 24, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25 अपॉन में 6, इसका एलसीएम लेंगे ना बेटा 6 एलसीएम आएगा, तो 6 4 24 प्लस में 1 25 अपॉन में 6, और जब कभी भी यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म हमारी किस में आती है फ्रैक्शन में आती है बेटा फ्रैक्शन में, तो नीचे वाली जो भी आपकी नंबर है उसको कहां भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 100 से होगा तो बेटा 600 अपॉन में x, और ये 200 से होगा तो 1200 अपॉन में y इज इक्वल टू 25। ये जो बेटा हमने बना दिया है, एक तो लीनियर इक्वेशन आपकी ये होगी है, ये वाली इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कह सकते हो इसको, और एक लीनियर इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी, आपको पता है ये 1/x, इसके नीचे भी क्या बेटा 1/x, ये क्या है 1/y, ये भी क्या बेटा 1/y, तो वैसे ही लेट कर लेंगे बेटा, लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी, इसको हमने ए और बी क्या कर लिया लेट कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान दीजिए बेटा, 61/x को ए रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 60a। इक्वेशन फर्स्ट में देखो बेटा, ये 1/y को हमने बी लेट किया है तो 240b इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको आप थर्ड कह सकते हो बेटा, फर्स्ट सेकंड हमने वहां नाम दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो इसको। इसमें पुट करेंगे सेकंड में 600 1/x को a,
ये 1200 इंटू बी इज इक्वल टू 25 क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हो बेटा इसको। अब बिल्कुल इजी है, अगर हम किसको या तो ए वाली टर्म को इक्वल करें या बी वाली टर्म को इक्वल करें, तो यहां पर 60 है, यहां पर 600 है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 600 बन जाएगा बेटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना करेंगे, 10 से करेंगे तो 600 ए, इसको 10 से करेंगे तो 2400 बी, और ये आ गया भाई 40। नीचे वाली इक्वेशन सेकंड फोर्थ इक्वेशन एज इट इज भाई 1200 बी इज इक्वल टू 25। अब आप ध्यान से देखिए 600 ए 600 ए दोनों आपके क्या है, इक्वल है और दोनों का सेम साइन है, तो क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस। 600 ए में से 600 ए माइनस हो जाएगा, ये माइनस करो भाई कितना आएगा 1200 बी इज इक्वल टू, माइनस करो भाई कितना आएगा 15, ये 15 बच जाएगा भाई आपका। तो यहां से बी निकालना है आपको, 15 और 1200 जाएगा नीचे भाई, इसको सोल्व करेंगे भाई 15 1 जा 15 15 8 जा 120, और ये जीरो बचेगी भाई, तो बी इज इक्वल टू हमारा 1/80। बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1/80 आई बेटा। अब बी की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दो या इक्वेशन नंबर फोर्थ में। अब अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो ये इजिली कट जाएगा बी किससे, 240 से, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना इजी रहेगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट इक्वेशन थर्ड आपको ये नजर आ रही बेटा, इक्वेशन थर्ड में 60 ए एज इट इज, 240 इंटू बी, बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1/80 इज इक्वल टू 4। हमने वैल्यू डाल दी भाई बी की वैल्यू, यहां पर जीरो से जीरो कैंसिल भाई, 8 1 जा 8 3 जा, ये 3 आया भाई यहां पर, ये आ गया यहां पर 3 1 जा 3, इस 3 को हम उधर भेज के क्या कर देंगे, माइनस 60 ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेटा यहां से कट के 3 बचा, 3 1 जा 3, यहां प्लस में 3, 3 उधर जाके माइनस में होगा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ए निकालेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 1/60, ए की वैल्यू 1/60 आई हमारी। अब निकालना क्या है, एक्स और वाई मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस, तो हमने जो लेट किया था बेटा यहां पर 1/x को ए, 1/y को बी, उसको पुट कर दीजिए यहां पर, कर देते हैं उसके बाद एक बार यहां देख लेना। नाउ 1/x को ए लेट किया तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो कितनी आई, ए की वैल्यू 1/60 इज इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू 60। और ऐसे अगर पुट करें हम इसमें b इज इक्वल टू हमारा कितना 1/y और ये हमारा कितना 1/80, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना 80। तो x की और y की वैल्यू हमने निकाल दी, x का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करना था, ट्रेन की और बस की जो दोनों की क्या निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी, तो दोनों की स्पीड हमने निकाल दी है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमने जो किया है बेटा, इसको एक बार नोट करें, कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 हमारी खत्म होगी भाई, ये हमारा जो अब इसमें एक ऑप्शनल बस्ती है उसको देखेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको कराए देंगे सिलेक्टेड, तो एक बार नोट करें इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एक बार बेटा, एक बार नोट करें इसको। तो आज की क्लास में जो हमने करे हैं 3.6 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन किए, दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट थे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमारा जो 3.6 एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया है, अब हमारी जो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बची है 3.7, उसके भी हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, ऋतु वाला जो है स्ट्रीम वाला। अब ये तीन क्वेश्चन है 3.6 के, कोई ना कोई क्वेश्चन में से जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और तीनों टाइप जो है वो डिफरेंट है और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।